जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप लोग मेरे WhatsApp पर बार बार एक इमेज भेज रहे हो और बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई अभी ये मर्चेंट नेवी में जो 1859 और 1860 जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में बता दो कि इसका फॉर्म हम लोग कैसे भरे और इसमें हम लोग को जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि बार बार नेट पर और ग्रुप में ये मैसेज चक्कर खा रहा है कि भाई मर्चेंट नेवी में वैकेंसी आ गई है, इसका फॉर्म फिलअप कर दो। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको अगर कोई मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट जॉब दे रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। याद रख लीजिए, कभी भी डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं होता है। आपको मर्चेंट नेवी में आने के लिए आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी कॉलेज या कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है कि हम आपको मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट जॉब देंगे तो ऐसा नहीं है। पहले वो आपको कोर्स करवाएगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। तो ये बात क्लियर होगी। अगर कोई आदमी डायरेक्ट बोलता है कि आपको डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में जॉब लगेगा तो उसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। दूसरी बात ये, अभी बहुत सारे लड़के बार बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई मैंने एक फॉर्म भरा है और मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ है, हमको एग्जाम देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई आपने अपना फॉर्म कैसे फिलअप किया था, तो कोई लड़के ये बोलते थे कि भाई हमने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, ऑटोमेटिक हमारे पास एडमिट कार्ड आ गया। और उसके बाद वो जहाँ से एडमिट कार्ड आया उस पर कॉलिंग नंबर था, हमने कॉलिंग करके बात की तो वहाँ पर एक मैडम है, वो उठाई है, बोल रही है कि जब आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था ना तो उसी टाइम आपने अप्लाई किया था, आपको याद नहीं है। ये भी समझियो कि ये भी क्या है, तो आपके सामने धांधली हो रही है, तो इससे भी आपको बच के रहना। दूसरी बात कि फिर मेरे बहुत लड़के ये भी बोलते हैं कि भाई हम गूगल पर इसी तरह सर्च मार रहे थे तो मेरे को इसी तरह जनरली दिखाई दे दिया कि मर्चेंट नेवी में जॉब आया हुआ है, फॉर्म फिलअप कीजिए। हमने फॉर्म फिलअप किया और हमारा एडमिट कार्ड आ गया, हमने जाकर एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम फी भी जमा कर दिया, मेडिकल भी करवा लिया, सब पास हो गया। अब बोल रहे हैं कि भाई तुमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के लिए तुम 1 लाख या 1.5 लाख या 90 हज़ार रुपये जमा करो, ट्रेनिंग के बाद हम तुमको जहाज पर चढ़ा देंगे। इससे भी आप बच के रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात और ये आप लोग बात समझ लीजिए कि जो भी मार्केट में आपको मर्चेंट नेवी का फॉर्म मिलता है उससे भी आप बच के रहिए, उसमें भी आप अप्लाई ना करें तो मच बेटर है। अब आपको मर्चेंट नेवी अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब बात याद रखिए, बहुत लड़के क्या करते हैं कि भाई मेरे पास एडमिट कार्ड भेजते हैं, कॉलेज का तो मैं नाम नहीं रखूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलेज है, सारे कॉलेज को मेरे को पता है कि कौन कैसा कॉलेज है। मेरे पास एडमिट कार्ड भेजते हैं, कहते हैं कि भाई थोड़ा बता दो कि ये मर्चेंट नेवी का फ्रॉड तो नहीं है। देखो, मैं किसी को फ्रॉड नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी को फ्रॉड कैसे बोलूँ। अगर वो अच्छा कॉलेज होगा ना तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा कि बेस्ट कॉलेज है, गुड कॉलेज है, आप एडमिशन ले लो। अगर वो फ्रॉड कॉलेज होगा ना तो डायरेक्ट मैं आपको इग्नोर कर दूंगा, मैं डायरेक्ट यही लिखता हूँ कि भाई इसके बारे में मेरे को नहीं पता है। मैं कौन होता हूँ भाई किसी के बारे में गलत बोलने वाला, आप डिसाइड करो। आपको कॉमन सेंस नहीं है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में जॉब के लिए लड़के भटक रहे हैं, 100 रुपये पर डे का, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के लिए कोई आदमी जॉब नहीं मिल रहा है, लाखों लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं और आपको मुफ्त में जॉब कैसे मिल जाएगा। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से आपको बच कर रहना, ठीक है। आप हमारे पास वो भेजेंगे, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि भाई इसके बारे में नहीं पता है, तो कमेंट क्या करेंगे, तो तुमने यूट्यूब चैनल खोल के क्यों रखा है कि तुम गाइड नहीं करते हो भाई, उसके बारे में मैं गलत क्यों बोल दूं, वो भी तो अपना काम अच्छा से कर रहा है, आप खुद उसके पास फंसने जा रहे हो तो आपको फंसाएगा ही वो। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात हमको ये आपको और एक बार बता देना चाहता हूँ कि मर्चेंट नेवी का कोई भी कॉलेज, याद रखो, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, TS रहमान हो गया, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा हो गया, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी हो गया, ये सारे कॉलेज अपनी खुद वेबसाइट पर फॉर्म निकालते हैं, वो मार्केट में कभी फॉर्म लॉन्च नहीं करते हैं या कहीं व्हाट्सएप पर फॉर्म नहीं भेजते हैं या कहीं गूगल पर भेजते ही नहीं है। उनकी खुद, जैसे आपको ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म भरना है तो लिखिए ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी, खुलकर आ जाएगा, वहीं पर जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए। नूसी का फॉर्म भरना है तो लिखिए नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, उनका वेबसाइट आ जाएगा, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। मार्केट में कभी फॉर्म लॉन्च नहीं होता। बाकी जितने भी कॉलेज होते हैं वो डायरेक्ट आपको कभी भी कॉल नहीं कर सकते हैं। जितने भी DG अप्रूव कॉलेज है, DG अप्रूव कॉलेज का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अफिलेटेड कॉलेज, और आपको मर्चेंट नेवी का कोर्स उन्हीं कॉलेज से ही करना चाहिए, कुछ भी हो जाए।
आपको जॉब मिले, आपको फ्री में भी जॉब मिले, बोले कि हम आपको फ्री में भी जॉब देंगे, आओ हमारे कॉलेज से करो, आप डिसाइड कीजिए। मैं तो ये डिसाइड करता हूँ कि भाई जॉब फ्री में भी मिले लेकिन मैं अपना कोर्स करूँगा तो डीजी अप्रूव कॉलेज से ही करूँगा। तो आपको हमेशा डीजी अप्रूव कॉलेज से ही कोर्स करना चाहिए, और जितने भी डीजी अप्रूव कॉलेज होते हैं ना, वो कभी आपको फ़ोन कर ही नहीं सकते हैं, आप ही को उनके पास फ़ोन करना होगा, बात कर लेना होगा, उसके बाद अगर सीट है तो जगह मिलेगी, नहीं है तो आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। और ये क्या करेंगे, आपके पास बार बार फोन करेंगे, अरे भाई इतना सीट बचा हुआ आ जाओ, अरे भाई तुम्हारा मेडिकल क्लियर हो गया, अरे भाई इतना पैसा भर दो, अरे हम तुमको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कौन चीज जेन्युइन है, कौन चीज फेक है। दूसरी बात, आज से 10-15 दिन पहले मैं देख के हैरान हो गया, मैं क्या कॉमेंट करूँ समझ में नहीं आता। अगर मैं थोड़ा ज्यादा ओहदे पर होता ना तो एक्सपोज जरूर कर देता, लेकिन भाई हम लोग रेटिंग है तो रेटिंग वाले ज्यादा बोल भी तो नहीं सकते हैं। कम से कम 1500-1600 लड़के एग्जाम सेंटर पर चले गए, मर्चेंट नेवी का एग्जाम देने के लिए। मैंने पूछा फॉर्म कहाँ से भरे हो, तो भाई ग्रुप में आया था, फॉर्म वहीं से डाउनलोड करके भर दिया। एग्जाम हो गया, 1500-1600 लड़कों का एग्जाम सेंटर पर मर्चेंट नेवी का एग्जाम हो गया, और एग्जाम होने के बाद उनका रिजल्ट भी आ गया और पास भी हो गया और सबको एडमिशन भी मिला। अब बताओ 1500 लड़के मर्चेंट नेवी का, हमने एडमिट कार्ड देखा तो बोला रही भाई तुम लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर दिए यार, तुम लोग के साथ क्या होने वाला, तुमको कुछ आइडिया भी है? तो ये सारी चीज़ों से आप सतर्क रहिए। और जो मर्चेंट नेवी के बारे में आपके जो बगल में रहते हैं या जो आपके रिलेटिव हैं, उनसे पूछिए कि मर्चेंट नेवी में कैसे जाया जाता है, आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन किए थे, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए डीजी शिपिंग क्या होता है, डीजी शिपिंग रिलेटेड कॉलेज कहाँ से हम सर्च करें, फिर उसके बाद हम लोग किस कंपनी में जाएं, कंपनी में भी फ्रॉडिंग होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आरपीएसएल कंपनी, आईटीएफ कंपनी में ही जाना चाहिए। तो ये पता करके तब मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कीजिए। अब ये नहीं है कि आप पूरा गांव से हैं, किसी को मर्चेंट नेवी के बारे में पता ही नहीं है, फॉर्म मार्केट में गए, वर्दी देखी कि भाई व्हाइट व्हाइट पहना है, व्हाइट कैप लगाया हुआ है, निकले फॉर्म फिलअप कर दिए, कॉल आ गया भाई हमारा तो मर्चेंट नेवी हो गया, कोर्स करेंगे, पैसा हूँचते रहेगा, पैसा खींचते रहेगा, खींचते खींचते बेकार हो जाएंगे, उसके बाद फिर घर आके कहेंगे कि मर्चेंट नेवी फ्रॉड होता है, मर्चेंट नेवी ये होता है। तो मर्चेंट नेवी को दोष आप नहीं दे सकते हैं, बल्कि खामियां आपके अंदर ही है, क्योंकि आपने जांच पड़ताल नहीं किया। देखिए फ्रॉडिंग तो हर एक जगह होता है और काम हर एक जगह सही होता है, काम हर एक जगह सही होता है, लेकिन हर एक काम में भी फ्रॉडिंग हो जाता है, तो बचना आपको ही पड़ेगा। बताइए किस सेक्टर में फ्रॉडिंग नहीं होता है, डॉक्टरिंग में नहीं होता है, कि इंजीनियरिंग में नहीं होता है, कि मोबाइल में नहीं होता है, हर एक जगह होता है। और कहाँ आपको जॉब नहीं मिलती है, डॉक्टरी में भी आपको जॉब मिलती है, इंजीनियर में भी जॉब मिलती है, आईटी सेक्टर में भी जॉब मिलती है, लेकिन बहुत सारे जगह पर तो मैं ये भी देखता रहता हूँ कि हवाई अड्डे पर नौकरी, 25,000 रुपये सैलरी, कॉल कीजिए इस नंबर पर। बताइए ऐसा हो सकता है, यहाँ पर 25,000 रुपये मिलेगा तो हम भी खुद जाने के लिए तैयार हैं भाई कि चलो हवाई अड्डा में काम करेंगे, ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। तो ये सारी चीज़ें से आप बच के रहिए, इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी करने के बाद जो आपको जेन्युइन लगे उन्हीं के साथ ऑथेंटिक तरीका से आप लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो कभी भी कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम 50 बार सोच ले, जो आपके आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार मर्चेंट नेवी में, उनसे भी पता कर ले कि भाई ये कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं, ये कॉलेज जेन्युइन तो है ना, कोई फ्रॉडिंग तो नहीं होगी ना, तभी आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसे सुधारूंगा। फिर से मैं आपको एक बार और बोलना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर फॉर्म के ऊपर लिखा है अफिलेटेड टू डीजी शिपिंग, तभी आप उस कॉलेज से, वैसे तो फॉर्म निकलेगा ही नहीं, जैसे मैंने बता दिया 4 कॉलेज वही निकालते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप उनको वेबसाइट पर ही विजिट करना पड़ेगा, तो वहीं पर डायरेक्ट मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप ये आपको ये भी नहीं पता चलता है कि भाई हम लोग किस कॉलेज से करें, तो डायरेक्ट गूगल पर जाइए और वहां पर सर्च मारिए डीजी शिपिंग अफिलेटेड कॉलेज या डीजी अप्रूव्ड कॉलेज इन इंडिया, ये तो याद रहेगा ना, डीजी अप्रूव्ड कॉलेज इन इंडिया, आपके पास सारे कॉलेज के लिस्ट खुलकर आ जाएंगे, उन्हीं कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अदरवाइज दूसरा कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बाकी पैसा आपका, दिमाग आपका, कमाएंगे आप तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग हमसे गाइड चाहते हैं तो हम तो भाई गाइड देते ही हैं कि डीजी अप्रूव कॉलेज से ही कोर्स कीजिए, ठीक है? तो यही एक वीडियो है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।